हाय गाइस, मैं आज आपके लिए बैकस्टेट यूगी का पार्ट 14 लेकर आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलो इसके बाद आपको ज़्यादा बोर नहीं करते और आपको लेके चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हमें सबसे पहले कौन दिखाया जाता है, वही युंजू का बताया जाता है, जो कि युंग की बातों को याद करती है और कहती है कि मैं किसी भी हाल में उसे वापस पाकर ही रहूँगी। जिसके बाद वो उसकी शॉप पर जाती है, जहाँ वो क्यूटी को फ्लैट देता उसे देख लेती है और वहाँ पर बिना रुके वहाँ से निकल लेती है। क्यूटी उससे फ्लावर गिफ्ट करने का रीज़न पूछती है तो वो बताता है कि 3 डेज में उसके एग्ज़ाम कंप्लीट होने वाले हैं, वो बस उसे कॉन्ग्रेट्स कर रहा है। वो बेचारा उसे कुछ कहता, उससे पहले ही उसकी प्यारी बहन वहाँ पर धमक पड़ती है और उनकी स्वीट से मूवमेंट को ख़राब कर देती है। फिर युंजू की मॉम भी अपनी बेटी के साथ बैठ करके ड्रिंक करती है। वाह, क्या नज़ारा है। अब युंजू के बकबक की शुरुआत भी हो जाती है। वो अपनी मॉम को बताती है कि मुझे बचाने के लिए ह्यूंग ने अपनी जॉब छोड़ी थी, इसी वजह से मैं ह्यूंग को अपनी ज़िंदगी पे वापस लाकर ही रहूँगी। जिस पर उसकी मॉम नाक बबूला हो जाती है। वो कहती है कि वो इसे फायर कर देगी। वो कहती है कि इस तरह से तो आप मुझे भी खो देगी। और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब ह्यूंग ऑफिस जा रहा होता है तो हमारी प्यारी क्यूटी अपने स्वीट से बॉस को चेक करती है, जिन्हें फीवर होता है, पर मिस्टर ह्यूंग बहादुर बनते हैं और कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि दोनों ही मैरिड कपल हो। फिर मिस यू आती है, इसके बाद में जिन्होंने इनबुल का डेब्यू कराया था। जब ये बात इनबुल को पता चलती है तो मिल्खा सिंह की स्पीड में दौड़ कर उनके पास जाती है। वो उससे कहते हैं कि तुम अभी भी टीम मेंबर हो, जल्दी से वापस आ जाओ। जिसके बाद उसकी टीम भी मेंबर्स आती है और सभी लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। वाओ, क्या दोस्ती है ना। इसके बाद ह्यूंग को फर्स्ट केस मिलता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो युंजू भी उसका पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच जाती है। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा चिपकू किस्म की लड़की है। इसके बाद जब वो लोग शॉप पे जाते हैं तो वो आदमी उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल देता है, जिससे कि वो गिरने लगते हैं। पर ह्यूंग युंजू को बचा करके खुद को चोट लगा लेता है और उसके हाथों पे चोट लग जाती है। दूसरी तरफ ह्यूंग की चोनी बहन, जो कि कस्टमर को काट के जगह कैश लेने को कहती है, जिससे वो बाद में उसे चुरा सके, और वो ऐसा ही करती है। बाद में वो पैसे भी चुराती है और बहुत सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। ह्यूंग उसी स्टोर पर वापस जाता है जहाँ पर वो ओल्ड मैन को किसी काम की वजह से जाना होता है। ह्यूंग का तो दिल होता ही बड़ा मासूम है। वो कहता है कि अंकल जी, आप जाइए, मैं आपकी शॉप का ख्याल रखूँगा। इसके बाद हमारी प्यारी सी क्यूटी को अपने दिल की चैन मतलब ह्यूंग की याद आती है। वो अपने झटपट उसे कॉल लगाती है और अपने स्टडी के क्वेश्चन पूछने लग जाती है। सीन सीधा शिफ्ट होता है ह्यूंग के डैड की तरफ, जो कि अपनी पुरानी क्रश से मिलने आए होते हैं, आप तो जानते ही हैं ना उनको, जो कि उन्हें पैसे वापस करती है। वहीं दूसरी तरफ ह्यूंग की मॉम भी, जो कि युंजू की मॉम से मिलने आई होती है, जहां युंजू की मॉम उन्हें ऑफर करती है कि आप अपनी शॉप को हेड ऑफिस को दे दो, जिससे क्योंकि ह्यूंग को एक साथ में दो दो काम करने पड़ जाते हैं। जिस पर ह्यूंग की मॉम को ये आइडिया अच्छा लगता है, आखिर वो ऐसे बात करेगी तो अच्छा तो लगेगा ही। जिसके बाद ह्यूंग की चोनी बहन फिर से आती है, पर इस बार क्यूटी उसे शॉप में घुसने नहीं देती है और उसे वहाँ से धक्के मार के बाहर भगा देती है, और वो भी पतले गली से निकल लेती है। रात को ना ह्यूंग जब वापस आता है तो क्यूटी उसे सैनिटाइज करने लग जाती है, जिससे वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के ना वायरस से बाहर आ सके। दिन रात काम करने के बाद में भी वो क्यूटी को घर भेज देता है और खुद ही काम करने लग जाता है। इसके बाद हमें दासिक का दिखाया जाता है, जो कि जिससे कॉमिक ड्रॉ नहीं हो रही होती है, पर गुम्बी उसकी मदद करती है, वो भी उसे इंस्पायर करके। क्यूटी अपने बॉस के लिए परफ्यूम लेकर के आती है, जो कि उसे शॉप पर देने आती है, पर वो देखती है कि उसके बॉस बेहोश पड़े हैं। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है। ह्यूंग की ऐसी हालत देखने के बाद ना उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि स्टोर बंद कर देना चाहिए। वो क्यूटी को भी घर भेज देते हैं। घर आने के बाद में क्यूटी को ह्यूंग का कॉल आता है, वो उससे बातें भी करने लग जाती है। आखिरकार हमारी क्यूटी का ना एग्ज़ाम वाला दिन आ ही जाता है। वो जल्दी से एग्ज़ाम देती है और भाग कर जाती है
आय हाय, ये इश्क बिना क्या क्या करवाता है इंसान से। इसके बाद हमें युंजो का सीन बताया जाता है, जो कि वही बात कहती है जो उसकी मॉम ने कही थी कि स्टोर को कंपनी के हवाले कर दो। जिस पर उसकी मॉम कहती है बिल्कुल बात करूंगी मैं अपने बेटे से। उसकी मॉम के जाने के बाद युंजो क्यूटी से भी यही बात कहती है कि ह्यूंग को कहो कि स्टोर बंद कर देनी चाहिए। जिस पर क्यूटी कहती है कि तुम्हें पता है उनके लिए स्टोर कितनी ज़्यादा अहम है, पर वो इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है कि इस तरह से तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। सोचो उसको इस जीवन में, लाइफ में उसके ड्रीम है, उसको उसके सपने पूरे करने दो, उसकी भलाई के बारे में सोचो वगैरह वगैरह। इतनी सारी बकवास करने के बाद फिर वो ह्यूंग के पास जाती है और जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। क्यूटी भाग कर आती है और उसका हाथ हटा देती है, पर युंजो बताती है कि उसे ह्यूंग ने गिरते हुए बचाया था, इस वजह से वो गिर गया था। फिर उस ह्यूंग उठता है और क्यूटी से उठते ही पूछता है कि उसका एग्ज़ाम कैसा गया। वो युंजो को देखता है पर उसे ज़्यादा भाव नहीं देता है, तो वो वहाँ से चली जाती है। क्यूटी का एग्ज़ाम अच्छा जाने पर ना वो कहता है कि आज उसे डिनर पर लेकर जाएगा। ये बात सुनकर तो वो खुश हो जाती है, लेकिन युंजो ये बात जाते जाते सुन लेती है। जब ह्यूंग को पता चलता है कि उसकी स्टोर कंपनी को देने की बात हो रही है, तो वो साफ साफ इनकार कर देता है। वो युंजो के पास भी जाता है और जाकर कहता है कि तुमने क्या सोचकर मेरी मॉम को ये ऑफर दी, मैं सिर्फ अपनी स्टोर को ही चुनूंगा। ये सब हो जाने के बाद ना हमारे लव बर्ड्स जाते हैं डेट पर। ह्यूंग बताता है कि वो रिजाइन कर रहा है, वो अपना स्टोर नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, पर क्यूटी उसे सजेस्ट करती है कि वो अपना ड्रीम पूरा करे और कुछ भी नहीं। अब युंजो पीछे तो हटने वाली है नहीं ना, वो मिस्टर बाई को कहती है कि क्यूटी को स्टोर से हटा दो, मतलब युंजो अपना रास्ता पूरी तरह से क्लियर करना चाहती है और क्या। इसके बाद ना ह्यूंग क्यूटी को उसकी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से सजाई हुई होती है। इसके बाद तो आप खुद ही गैस कर लीजिए कि क्या ह्यूंग क्या कहेगा। ऑफकोर्स ह्यूंग लोग कन्फ्यूज करेगा और क्या। वो कहता है कि मैंने तुम्हें 3 साल पहले देखा था, फिर मैंने तुम्हें पार्ट टाइमर के रूप में देखा, तब से मुझे डेस्टिनी पर विश्वास हो चुका है, तुम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो। वो उसकी तरफ रेड ट्यूलिप्स आगे बढ़ाता है जो उसके लिए लाया था, और ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वो हाँ कहेगी या ना कहेगी, हमें आगे का पता चले भी तो सही कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और हमें ये बात कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।